कशन में रहना चाहिए, कशन में बड़े तरीके से बैठ गई हूँ, कॉल्स भी बहुत सारी लूँगी, कॉल्स करना शुरू कर दें वरना फिर आप बाद में मुझे बोलते हैं कि मेरी कॉल नहीं लगती प्रोग्राम में। गोल पेटेड हार्ट जो है आज आपकी खिदमत में हाजिर है, दौड़े जा रहे आस्था दौड़ रहे अभी तक, फिर बाद में बहुत तेज़ी से दौड़ेगा और दौड़ के आप तक पहुँच जाएगा खैर वाफे से, इसलिए कॉल कीजिए और ले लीजिए बहुत 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 मज़े के ज़बरदस्त एक्सपेंसिव इनाम। आज हमारे प्रोग्राम में भी बहुत सारे गेस्ट हैं, मज़े मज़े की बातें करेंगे, बहुत बड़े बड़े नाम भी आज हमने आपके लिए बनाए, क्योंकि जो बड़े नाम हैं ना जब साथ होते हैं तो कुछ हम अगर आपको गिफ्ट कर रहे होते हैं तो बड़ा अच्छा फील कर रहे होते हैं, हम खुद बड़ी इज्जत ऑनर फील कर रहे होते हैं। तो अभी जो है दो हमें हमारी प्यारी प्यारी मॉडल्स जो है उन्होंने हमें ज्वाइन किया है और ये दोनों मॉडल्स हमारी विदाउट मेकअप भी खूबसूरत तरीन प्यारी प्यारी इनोसेंट मेकअप है के बगैर जो है वो है, अब जब इनको मेकओवर होगा तो वो और प्यारी लगेंगी। और मेकअप के लिए हमारे पास दो लोग हैं, एक है फेरी जो कि ऑलरेडी अभी आज उनका तीसरा दिन हो जाएगा मेकअप करते, वो मेरे मॉर्निंग शो का भी मेकअप करती हैं मेरे साथ, रोज़ एक नया लुक मुझे देती हैं। साथ साथ इस्लामाबाद से हमें एक मेकअप आर्टिस्ट हैं, उन्होंने ज्वाइन किया, वैसे वो लाहौर के भी हैं इस्लामाबाद के भी हैं और हर जगह ही ट्रैवल कर रहे होते हैं तो कहाँ कहाँ के नहीं है, मगर इनसे मेरी मुलाकात इस्लामाबाद में हुई थी, मेरा मेकओवर कर चुके हैं और बहुत बहुत अच्छा मेकअप करते हैं, इसलिए ख़ास मैंने आज बारात के मेकअप के लिए इन दोनों मेकअप आर्टिस्ट को जो है वो चूज़ किया कि ये बेस्ट मेकअप हमें आपको दिखाना है, तो दोनों आपके सामने एक बेस्ट लुक देंगे और आप लोग भी इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये नहीं है कि मैंने आपको सिर्फ ये दिखाने के लिए बुलाया कि ये इनको मेकअप खूबसूरत करें, मैंने आपको ये दिखाने के लिए बुलाया कि आप लोगों को मेरी बहनों को दोस्तों को रीज़नेबल कॉस्ट में बेस्ट 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 लाहौर में मेकअप अवेलेबल हो सकता है, आप लोग इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप हमें कॉल कीजिएगा, हम आपको जो है हमारी टीम जो है भेज देंगे और आपको ज़बरदस्त ब्राइडल मेकअप जो है मिल सकते हैं। तो एनीबडी कैन यू नो कॉल एंड यू नो अपॉइंटमेंट करवा सकते हैं मेकओवर के लिए, नो प्रॉब्लम एनी टाइम। अच्छा जी, अब वक्त हुआ जाता है कि दो जो मेकअप आर्टिस्ट हैं हमारे उनको मैं दावत दूं और वो आके अपना मेकओवर जो है वो लुक देना शुरू कर दें, तो पहले या बाद में कोई नहीं, दोनों साथ आइए, फेरी और हारिस, क्या बात है, ठीक ठाक, वालेकुम अस्सलाम, मज़े में कैसे, बिल्कुल भाई सज धज के आप फैशन में आज जो है सेट कर देंगी लड़कियों को, फैशन जो है स्टाइल दे देंगे, मार्जिन रख के नहीं मेकअप करेंगे आज, फुल मेकअप करेंगे, फुल ब्राइडल मेकअप होने वाला है। अच्छा, कोई ऐसी माइंड में नहीं रखा सॉफ्ट करना है, क्योंकि दो दिन से ना मैं ये आप नहीं आए थे तो मैं ये मेकओवर थी इनके पास माइयों का और मेहंदी का, तो जब मैं इनके पास जाती थी पूछने के लिए आज क्या प्लानिंग है, कहते आज बहुत सॉफ्ट मेकअप न्यूट, आज हम सिर्फ काजल से खेलेंगे, इस तरह की बात होती, तो आज ये इतनी खुश है ना कि आज कोई मार्जिन नहीं है, मैं अपनी मर्जी से डट के करूंगी, हैं? और वैसे भी दुल्हन के लिए तो बेस्ट का एक अपना रूप भी होता है और फिर उसके ऊपर वो सोलह सिंगार जो हो गया वो मेकअप का हो गया और मेकअप का हो गया, ब्राइडल मेकअप में इतना मार्जिन होता है ना कि आप लाइक यू कैन प्ले विद द फेस, आप मतलब खेल सकते हो, अच्छी सी जो लुक चाहे आप दे सकते हो, आपकी आंखें हारिस इतनी प्यारी है बच्चे, माशाल्लाह आंखें, और आप चश्मा एक मिनट के लिए उतारिए, और इतनी खूबसूरत लैशेस के साथ और इतनी खूबसूरत आंखों के साथ, आपकी अम्मी की आंखें ऐसी हैं माशाल्लाह, जी जी मेरी अम्मी और अब्बू दोनों से कंपैरेटिवली हैं, मिक्सचर, जी जी मिक्सचर, वरना लड़कों की नॉर्मली आंखें जो है ना वो छोटी छोटी शेप में होती हैं, वो इतनी खुली भी नहीं होती आपकी। आई रिमेम्बर फिजा जब आप मुझे फर्स्ट टाइम मिली थी ना जी, सीरियसली लाइक मेकअप करने से पहले आपने मुझे यूं देखा था और आपने यही कमेंट मुझे किया, सीरियसली मैं हुस्न परस्त लड़की हूँ, मुझे तो बस हुस्न दिख जाए किसी में भी तो मैं उसकी तारीफ जरूर करती हूँ। देखिए अल्लाह ताला ने हमें बनाया है, चाहे लड़का हो या लड़कियों को खूबसूरत है, तारीफ करने में क्या जाता है फेरी मुझे बताओ, एक अल्फा हम तारीफ करके आपकी जो है मैं अल्लाह की तारीफ करी कि अल्लाह मैंने आपको बनाया, आपको कितना खूबसूरत बनाया, और अगर मेरी कॉलर ने भी मेरी तारीफ कर दी तो अल्लाह की तारीफ हुई है ना, तो मैं बुरा नहीं मानती, कोई नखरा नहीं, टशन में भाई आज सबकी तारीफें करो, जो जो कॉल करे टशन हो जाएगा। तो आपकी ब्राइड इधर है या उधर है, मेरी वो ब्राइड है, ठीक है, आपके मेकअप के लिए वो ब्राइड है, आज आपने मेकअप करके ले, नहीं ऐसा नहीं होना, सिर्फ मेकअप करना है भाई, ये देख लो ये अभी से जो है ना कुछ और बात कर रहे थे, हैं सिर्फ मेकअप तक की इजाज़त है बता दो, है ना, ये ना हो कि घर तक रिश्ता मांगने आ जाए, कोई हाल नहीं है हारिस, तो यहाँ पे हो रहा है सज धज के टशन में रहना, और अब वक्त हुआ चाहता है कि मैं यहाँ पर एक हमारे पास मौजूद है एक सरप्राइज गेस्ट जो है वो तो थोड़ा सा मैं कुछ कुछ
लम्हों के बाद बुलाऊंगी, जो कि मैंने आपको बताया था कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री का भी बड़ा नाम है, हमारे लिए भी बड़ा नाम है, और आ जाएंगी ज्वेलरी के ऊपर जब हमसे बात करेंगी ना, क्योंकि उन्होंने फिल्मों में जिस तरह से ज्वेलरी वगैरह कैरी की है, हम भी जानना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि अब इस उस टाइम के और इस टाइम के पीरियड में फिल्म्स में क्या ट्रेंड जो है वो चेंज हुआ है ज्वेलरी से रिलेटेड, क्योंकि हम लोग ज्वेलरी के लिए फिल्मों को बहुत कॉपी करते हैं, फॉलो करते हैं, नो मैटर इंडिया हो पाकिस्तान हो, हम फिल्मों को बहुत देखते हैं, हमें एक बड़ा चलता फिरता जो है ना सबूत सामने नज़र आ जाता है। मगर उससे पहले मेरी एक दोस्त हैं, फैशन डिज़ाइनर हैं, बहुत प्यारी सी हैं और खूबसूरत तरीन चेहरा माशाल्लाह, और खूबसूरत तरीन नेचर माशाल्लाह से, प्रिटी फेस, pretty personality, also designer, so please welcome Hina Bhatt. Wow, kya hal hai ji? Assalamu alaikum. Theek thaak. Pehle to sabko salam kar lijiye. Assalamu alaikum. Lovely. Yes, aaiye. Acha ji, Hina ne to hame join kar liya, magar ek baat beech mein batana chahungi ki Glitz Resource ki ek ring hai, बल्कि दो रिंग ना दे दूँ मैं आज ही। चले जी, क्या बात है, आज दो सेट दे रही हूँ, तो दो रिंग भी हसीन तरीन खूबसूरत दो रिंग्स हैं, वो भी मैं गिफ्ट करूँगी। आज मुझे जो कॉल आएगी मैं कोशिश करूँगी कि आपको खाली हाथ जाने ना दूँ, और अभी कुछ लम्हों के बाद ना मैं थोड़ी देर में आपको वो दिखा भी दूँगी कि क्या रिंग है क्या नहीं है। अच्छा जी, हिना हमारे साथ है, मैं हिना के बारे में बता दूँ, एक साल हुआ इनको अपना ब्रांड लॉन्च किए हुए, टीना बाय हिना बट इनके ब्रांड का नाम है, और माशाल्लाह कराची, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, दुबई और लंदन में, ये तो वो लग रहा है एफएम का मैं कोई शो करने जा रही हूँ, उधर इनकी मज़े मज़े से जो है आउटलेट है, और इन्होंने काफ़ी जगह पे अपने कपड़े डिस्प्ले किए हुए, तो अभी इनसे खुद बातें जो है सुनते हैं, पूछते हैं। आप अपना ब्रांड पहनिए। यस, लवली, ये हमने लॉन और चिकन की रेंज लॉन्च की है विद मिथिकल क्रिएचर्स। तो आपने फैशन डिजाइनिंग जो है आपने की है लम से? नहीं, वैसे आई डिड माय MBA लम से किया और बैचलर्स लम से किया है। अच्छा अच्छा, और आपने फैशन डिजाइनिंग अपनी? फैशन डिजाइनिंग मुझे हमेशा से शौक था, सो इट्स बीन 1 ईयर मैंने स्टार्ट किया। लवली, और स्पेशली टेस्ट जो था वो पहले से था कि भाई एक अच्छी चीज पे हमेशा से मुझे काम शौक। हां, लवली लवली लवली। तो अब के साथ कोई है, पार्टनर है या अकेले सारा कुछ देखेंगे? नहीं, मैं आई डू इट अलोन। और वर्कशॉप भी लाहौर में आपकी? हां, लाहौर में बेस्ड है। और कितने कारीगर अभी आपके पास काम करेंगे? एक साल हुआ है तो जो नए नए माशाल्लाह हैव 150 की वर्कफोर्स वर्किंग फॉर मी। हां, लवली लवली लवली, जिसमें अड्डे का काम सारा, और ओके, बेसिकली मैंने डिजाइनर्स भी फ्रॉम फैशन स्कूल, दे कम एंड हेल्प मी, हम इकट्ठे एज अ टीम वर्क करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मतलब दूसरों को भी एक प्लेटफॉर्म दिया हुआ है कि आप भी आओ। हां, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, नई लड़कियां जो ग्रेजुएट करती हैं दे कम वर्क विद मी, और हम एक दूसरे सीखते हैं and we come up with really good stuff. Mashallah, sales are doing very well. Lovely, lovely. Acha, casuals pe zyada hai ya phir formal pe client zyada hai? Overall semi formals pe zyada hai, par jaise main kafi zyada pieces pe rack karti hu, tehzeeb pe karti hu, fp lounge pe karti hu, so like different range. Tehzeeb pe hamara bridal and luxury wear hai, fp lounge mein modern cuts ke sath semi formals hai. क्लाइंट ज़्यादा किस किस्म के मिलते हैं, जो एक ऑफर आती है ना कि भाई ये हमें चाहिए वो चाहिए, तो फॉर्मल ज़्यादा ऑर्डर्स आते हैं या फिर सेमी फॉर्मल? जैसे अब लाइक गर्मियों का महीना है, सो अब हमने लॉन्स और चिकन्स के बड़े अच्छे लाइक ये किया है, ब्राइट कलर्स, वाइब्रेंट कलर्स के साथ किए हैं, सो इवन लॉन प्रेट लाइन भी बहुत हमारी माशाल्लाह। अच्छा, एक साल पहले जब आपने शुरू नहीं किया था तो घर में के पहले कोई होम प्रैक्टिस थी कि कुछ कर रही होती थी, ऑर्डर्स देते थे फ्रेंड्स वगैरह? नहीं, आपने वैसे ही बहुत अच्छे पहनती हैं। बहुत स्पॉन्टेनियसली स्टार्ट किया था, आई स्टार्टेड ऑफ पहला फर्स्ट रैक किया था और बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला फर्स्ट एग्जीबिशन का, आई सोल्ड ऑल ऑफ माई स्टाफ। और कहाँ एग्जीबिशन थी आपकी? इनिशियली मैंने प्लेटफॉर्म के साथ स्टार्ट किया था, बेसिकली मल्टी ब्रांड स्टोर्स का कॉन्सेप्ट अभी एक साल से काफ़ी ज़्यादा आ गया है, तहजीब और एफ पी लाउंज, मतलब काफ़ी ज़्यादा, सो उधर काफ़ी नीश थी। आई जस्ट पहले एक रैक लिया, बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला, अब माशाल्लाह आई हैव 14 रैक्स एट ऑल लाइक 6 प्लेसेस इन लाहौर में रैक कर रही हूँ, एंड फैसलाबाद, कराची और दुबई भी डिजाइनर्स लाउंज। लवली, एंड लंदन टू। अच्छा, इस एक छोटी सी कॉल लूँगी, कॉल के बाद मैं आपसे एक सवाल जो है वो मैं अभी कर रही हूँ, आप जवाब उसका मुझे दीजिएगा बाद में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, क्या हाल है फिजा? मरियम, मैं ठीक, बताओ यार तुम कैसी हो यार, ठीक ठाक हो? मैं ठीक हूँ, और जबरदस्त, बहुत प्यारी लग रही हैं आप। थैंक यू सो मच यार, बस
सुबह सुबह उठ के दुल्हन बनना पड़ जाता है। अभी तो खैर क्योंकि बारात का सीजन है तो थोड़ा सा दुल्हन वुल्हन रहने दो मुझे। रोज रोज नया रूप होता है आपका और नई लगती है, फिर है ना, बहुत प्यारी लगती है, गुड़िया लगती है। ओए मेरी जान, आधा आधा गिफ्ट तो तुमने मुझे गुड़िया कह के ले लिया। मेरी अम्मी मुझे गुड़िया कहती थी और डॉल कहती थी, उसके बाद मुझे कोई नहीं कहता, तो तुमने अम्मी के बाद मुझे गुड़िया कह दिया, तो आधा गिफ्ट तो तुम्हारा पक्का हो गया मेरी जान, है ना। अच्छा बहुत आसान सा सवाल करूँगी कि सोने का अंडा खाने से नींद आती है या सोने की गोली। हाय मेरी बहन मेरे साथ है। सोने की गोली, सोने की गोली खाने से नींद आती है, फिर सोच लो। सोने का अंडा बेटा, तुम सोने का अंडा खा के सोती हो तुम, है अभी तुम्हारा मुझे लक पता गया। मगर खैर पहले जो तुमने जवाब दिया था ना, कंफ्यूज नहीं करूंगी, वो ठीक है, अब उसको मैं लकी ड्रॉ में डालूंगी और उसके बाद जो है ना मेरी बहन को जवाब दूंगी। थैंक यू मरियम।